वेलकम टू माय चैनल द फंडा बॉक्स। आज मैं आपके लिए लेकर आया एक बहुत ही ऑसम सीरीज जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड एस्पेक्ट्स पे। इस यूट्यूब वीडियो सीरीज के माध्यम से मैं कोशिश करूंगा कि करंट अफेयर्स के मेजर टॉपिक्स को यहाँ कवर कर सकूं, साथ ही साथ हम इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को भी यहाँ पर भी दिखेंगे। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, मैं वहाँ रेगुलरली क्वेश्चंस अपडेट करता हूँ क्विज के तौर पे, तो उससे आपको एक हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी मिल जाती है। करंट अफेयर्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी एग्ज़ाम में, स्पेशली मैं RS एग्ज़ाम की अगर बात करूँ तो ना केवल प्रीलिम्स में बल्कि जो मेंस है उसमें भी इसका एक मेजर पोर्शन रहता है। स्टैटिक क्वेश्चंस भी जो आजकल आते हैं वो क्वेश्चंस भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड रहते हैं। तो अब इस सीरीज में जो पहला वीडियो है उसको आगे ले जाते हुए हम चर्चा करते हैं, शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में मैंने कुछ नई स्कीम्स और कुछ अवार्ड्स और इनसे रिलेटेड एस्पेक्ट्स को कवर किया है। मेरे सारे वीडियोस, आने वाले वीडियोस भी बहुत लेंथ में 10 से 20 मिनट के ही रहेंगे, जिससे कि आप उससे मैक्सिमम आउटपुट ले निकाल सकें। तो इसका मकसद, इसको आप, मैं एक टू द पॉइंट सीरीज के नाम से इसको स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आई होप कि आपको वो अच्छे लगेंगे। तो पहला जो आज का टॉपिक है वो टॉपिक है रिलेटेड टू कोरोना से, क्योंकि कोरोना पिछले 2 साल से हमारी ज़िंदगियों में किसी ना किसी तरीके से अफेक्ट भी करा है और छाया हुआ भी रहा है। तो कोरोना का इम्पैक्ट वैसे तो सारे ही सेक्टर्स पे हुआ है, सारे ही सेगमेंट्स पे हुआ है सोसाइटी के, पर एक जो एक बहुत वल्नरेबल सेक्शन है जिसमें बच्चे आते हैं और विधवा माताएं आती हैं, तो उन पे जो इम्पैक्ट हुआ है उस इम्पैक्ट को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री कोरोना सहायता जो है लाई गई है। इस योजना के अंतर्गत जो बच्चे जिन्होंने अपने माता पिता दोनों को खो दिया, अथवा ऐसे बच्चे जिनके सिंगल पेरेंट ही जिंदा थे और उनकी भी डेथ हो गई जिसकी वजह से वो अनाथ हो गए, ऐसे बच्चों को तत्काल सहायता के रूप में 1 लाख रुपए की एकमुश्त अनुदान तथा 18 वर्ष पूरे होने तक 2,500 रुपये की राशि प्रतिमा दी जाने की घोषणा की गई है। और ये इनफैक्ट ये स्कीम जो है वो लागू भी हो गई है। इसमें प्रोएक्टिव आइडेंटिफिकेशन का जो मेथड है वो यूटिलाइज़ किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, मतलब खुद से जो प्रशासन है उन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि किन किन ऐसे बच्चे, किन किन ऐसे फैमिलीज़ हैं जिसमें कोरोना से डेथ हुई और उनके बच्चों के लिए इनमें सहायता की ज़रूरत है या नहीं। जो अनाथ बच्चे बालक बालिका हैं उनकी 18 वर्ष की आयु के पूर्ण होने पर उनको 5 लाख रुपये की एकमुश्त सहायता प्रदान की जाएगी तथा ऐसे बच्चों को 12 वर्ष तक की पढ़ाई, मतलब 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई के लिए आवासीय विद्यालय अथवा छात्रावास के माध्यम से निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। जो बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं उन छात्राओं को सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में प्राथमिकता से प्रवेश दिया जाएगा। कॉलेज छात्रों के लिए आवासीय सुविधाएं हेतु अम्बेडकर DBT वाउचर योजना का लाभ दिया जाएगा, जिसके तहत जो अब पहले हॉस्टल्स में रखते थे बच्चों को, अब उनको ये छूट रहेगी, इंडिपेंडेंस रहेगी कि वो अपनी चॉइस के हिसाब से PGs में रह सकते हैं। जिन महिलाओं ने अपने पति को खो दिया है उनको एकमुश्त 1 लाख रुपये की सहायता अनुदान के रूप में दी जाएगी तथा प्रतिमाह 1,500 रुपये विधवा पेंशन भी दी जाएगी। इसमें इनके जो, इस विधवा माता के जो बच्चे हैं उनको भी 1,000 रुपये पर मंथ की सहायता दी जा रही है। इसके बाद जो दूसरी महत्वपूर्ण योजना है वो योजना है मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। इसके अंतर्गत जो आर्थिक रूप से कमज़ोर विद्यार्थी हैं उनको आगे बढ़ाने तथा उनको समान अवसर प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना लागू की गई है। इसको, इस योजना को जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग, जिसको TAD कहते हैं इंग्लिश में, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग तथा अल्पसंख्यक मामलात विभाग के माध्यम से संचालित किया जाएगा। इस योजना अंतर्गत SC, ST, OBC, MBC और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के ऐसे विद्यार्थी जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम है तथा ऐसे विद्यार्थी भी जिनके माता पिता राज्य सरकार के कार्मिक के रूप में पे मैट्रिक्स लेवल 12 तक का वेतन प्राप्त कर रहे हैं, वो इस योजना के अंतर्गत पात्र होंगे।
इसका लाभ किसी भी छात्र छात्रा को केवल एक वर्ष की अवधि हेतु दिया जाएगा तथा यूपीएससी तथा आरपीएससी सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को इस योजना का लाभ प्राप्त हो सकेगा। इसमें जो लाभ लाभ मिलने का जो क्राइटेरिया है उसमें परीक्षार्थियों की मेरिट का निर्धारण 12वीं अथवा 10वीं के प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा और कोशिश ये की जाएगी कि कम से कम 50% छात्राएँ इसमें सम्मिलित की जा सकें। इसका संचालन जो है वो सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग एज ए नोडल के तौर पर करेगा। तीसरी जो महत्वपूर्ण स्कीम है वो स्कीम अभी बहुत रिसेंटली लॉन्च हुई है जिसका नाम है घर घर औषधि योजना। घर घर औषधि योजना की अगर मैं बात करूं तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो उद्देश्य है कि औषधीय पौधों को उगाने के जो इच्छुक परिवार हैं तो उनको स्वास्थ्य रक्षण हेतु बहुउपयोगी औषधीय पौधे वन विभाग की पौधशालाओं में उपलब्ध करवाना। आपने देखा होगा कि कोरोना के चलते हुए काढ़ा घर में कई सारी दवाइयाँ जो हैं जड़ी बूटियाँ औषधियों का इस्तेमाल बढ़ गया तो उसको ध्यान में रखते हुए भी इस योजना का जो संचालन किया जा रहा है तो लोगों में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए चिकित्सा हेतु बहुउपयोगी औषधीय पौधे जो हैं उनके व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए जन चेतना का विस्तार करने के लिए इस योजना को लाया गया है। इसमें जो प्राथमिक उपयोग में तथा संरक्षण संवर्धन हेतु आयुर्वेद और भारतीय चिकित्सा विभाग के सहयोग से प्रमाणित जानकारी के आधार पर जो औषधीय पौधे हैं उनका उपयोग उनकी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना के अंतर्गत चार मेजर पौधे हैं जो उपलब्ध करवाए जाएंगे। ये इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है जिसमें तुलसी गिलोय अश्वगंधा व कालमेघ के पौधे जो हैं वो इस योजना के अंदर अंतर्गत उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो एक और जो मेजर स्कीम हाल ही में लॉन्च की गई है वो स्कीम है सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन योजना। इस स्कीम को जो राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम है जिसमें इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए जो मैकेनिज्म्स डेवलप किए गए हैं उसकी तर्ज पे सोशल सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसको कैसे बढ़ाया जाए और उसको उन लोगों को किस तरीके से प्रोत्साहित किया जाए उसको ध्यान में रखते हुए इस योजना का निर्माण किया गया और इस योजना को संचालित किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत जो वांछित वर्ग हैं जैसे बच्चों, महिलाओं, दिव्यांगों, भिखारी या निर्धन व्यक्ति, बेघर, ट्रांसजेंडर, नशे में संलिप्त व्यक्ति अथवा वृद्धजन के कल्याण या कोई और अन्य सामाजिक सरोकार के क्षेत्र में भारत सरकार या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त अलाभकारी संस्थाओं की सक्रिय जन भागीदारी को प्रोत्साहित करने की इस योजना का संचालन किया जा रहा है। इसमें कम से कम 3 साल से जो उस सामाजिक क्षेत्र में काम कर रही है उस सोसाइटी, ट्रस्ट, न्यास, कंपनी जो है उसको इसके लिए पात्र माना गया है। इसमें मैंने कुछ आपको जस्ट ये एग्जाम्पल दिए हैं, ये पूरी लिस्ट नहीं है। जैसे भू उपयोग परिवर्तन शुल्क में 100% छूट, आवंटित भूमि पर लीज में 100% छूट, भवन निर्माण अनुज्ञा शुल्क में 100% छूट या स्टाम्प ड्यूटी में 100% छूट, नियमन शुल्क में जो है 100% छूट, प्राइवेट व्यक्ति अथवा जो संस्था द्वारा अचल संपत्ति का दान करने पर स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क में छूट, ऐसी बहुत सारी छूट्स हैं। तो ये एक मैकेनिज्म जो है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के तौर पे एक नया इनिशिएटिव है जिसको डेवलप किया गया है जिसके थ्रू ऐसी एनजीओज को प्रमोट करना है जो सोशल सेक्टर में अपना योगदान दे रही है। ये तो वो कुछ स्कीम्स थी, 3-4 स्कीम्स। हम आने वाले वीडियोस में और भी स्कीम्स के बारे में चर्चा करेंगे। मैंने सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को यहाँ रखा है जो मुझे लगते हैं कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और आपको अगर मेंस में भी आंसर लिखना हो तो उसमें आपके लिए सफिशेंट है। इसके बाद अभी जस्ट कल ही जो है टोक्यो ओलंपिक ख़त्म हुआ है तो ओलंपिक की बात करते हैं, बट टोक्यो ओलंपिक की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे। अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं ग्रामीण ओलंपिक खेल, जो राजस्थान के ग्रामीण ओलंपिक खेल हैं उसके बारे में छोटा सा एक अपडेट है, उस अपडेट को देख लेते हैं। टोक्यो ओलंपिक के बारे में हम एक स्पेशल अलग से वीडियो जो है पूरा
पूरा करेंगे। इस राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेल के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसमें शूटिंग बॉल तथा खो खो को जो है शामिल करने की मंजूरी जो है गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है। इसका मेन मकसद जो है वो ये है कि जो नए पीढ़ी के की खेलों के प्रति जो रुचि है उसको बढ़ाना, और जिससे लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ये हो कि जो राष्ट्रीय राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो खेलों की गतिविधियां हैं उसमें राष्ट्र के मतलब राज्य के जो लोग हैं उनका प्रदर्शन बेहतर हो सके। तो इसमें अभी की जो लेटेस्ट बजट में खेलों के प्रति जो व्यापक वातावरण तैयार करने के लिए कबड्डी है, वॉलीबॉल है, क्रिकेट टेनिस बॉल है, हॉकी है, इन सबको ग्राम लेवल पे, ब्लॉक ब्लॉक लेवल पे, जिला राज्य स्तर पे जो खेल प्रतियोगिताएं आयोजित होती हैं उसमें इनको शामिल करने की घोषणा की गई है। एक जो रिपोर्ट है, जो रिपोर्ट एसडीजी से रिलेटेड है, एसडीजी का मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में मैं आपको छोटा सा ब्रीफ ये दे देता हूँ कि ये 2015 में सेट किए गए थे। 2015 में एजेंडा 2030 के नाम से इनको सेट किया गया था। यूएन इसको सेट करता है, यूएन काउंसिल्स जो है वो यूएन जनरल असेंबली के थ्रू इसमें इसको डिसाइड किया गया। इसमें 17 इंडिकेटर्स हैं बड़े ब्रॉड अगर अपन बात करें, जिसमें पॉवर्टी भी है, सस्टेनेबल सिटीज़ भी है, पीस एंड ट्रैंक्वलिटी भी है। ये जो इंडिकेटर्स हैं ये एक तरीके से जो इनिशियल 2000 में मिलेनियल डेवलपमेंट गोल्स डिसाइड किए गए थे उसका एक रिवैम्ड और रिफॉर्म्ड वर्जन जो उसका अगली कड़ी है, तो उसका एक हिस्सा है। तो उसी के तर्ज पे स्टेट्स की भी जो है एसडीजी इंडेक्स निकाला जाता है कि स्टेट्स का परफॉर्मेंस किस तरीके से है। ये कौन निकालता है? ये नीति आयोग निकालता है। इसका शीर्षक जो है इस बार का जो थर्ड संस्करण था उसका शीर्षक था एसडीजी इंडेक्स, इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड 2021, पार्टनरशिप्स इन द डिकेड ऑफ एक्शन। इसमें जो यहाँ की अगर अपन बात करें तो यहाँ जो जो इंडेक्स है उसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 115 संकेतों पर जो है चेक किया जाता है। हाल ही में जो इंडिया की खुद की रैंक है उसमें 6 अंकों का सुधार हुआ था। वो 6 अंकों का सुधार जो साफ पानी और स्वच्छता और सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा के अंदर जो उनका इम्प्रूवमेंट था उसकी वजह से हुआ। तो जो स्टेट वाइड रैंकिंग की गई उसमें केरला जो है वो स्टेट सबसे फर्स्ट रैंक पे रहा। एक जो लास्ट अपडेट है वो अपडेट है पुलित्जर अवार्ड से रिलेटेड। पुलित्जर अवार्ड से अभी आपने दानिश सिद्दीकी करके जो रूटर्स के पत्रकार थे जिसको तालिबान ने मारा था, हाल ही में काफ़ी ग्लोबल आउटरेज भी हुआ था उस पर, तो वो भी पुलित्जर अवार्ड विनर फोटोग्राफर थे। तो हाल में जो पुलित्जर अवार्ड्स घोषित किए गए हैं उसमें इंडिया मूल की जो पत्रकार हैं मेघा राजगोपालन, उनको इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए सम्मानित किया जा रहा है। उनको ये जो पुरस्कार है ये चीन के शिंजियां प्रांत में जो उगैर मुस्लिम्स का जो एक इशू चलता रहता है काफ़ी लंबे टाइम से, उनके जो डिटेंशन कैंप हैं उनके बारे में जो जानकारियां थीं उनको दुनिया तक पहुंचाने के लिए दिया जा रहा है। पुलित्जर अवार्ड जो है वो अमेरिका में अखबार, मैगजीन, ऑनलाइन पत्रकारिता, साहित्य और संगीत के लिए दिया जाता है। टोटल 21 श्रेणियों में दिया जाता है। इसकी स्थापना 1917 में की गई थी। तो ये तो कुछ मोटे मोटे तौर पे जो अभी हाल की करंट अफेयर्स से रिलेटेड एस्पेक्ट थे। इसमें हमने आज के इस वीडियो में 7 टॉपिक्स कवर किए हैं। आने वाले वीडियोस में भी हम ऐसे ही इम्पॉर्टेंट 7-8 टॉपिक्स हर वीडियो में कवर करेंगे। मैं इसकी फ्रीक्वेंसी डेली रखने की कोशिश करूँगा जिससे कि आपको आप पे बर्डन भी नहीं हो और अपन ग्रेजुअली जितना मैक्सिमम एरिया डिटेल्स जो हैं वो कवर कर सकते हैं उसको कवर भी कर पाएँ। तो उम्मीद है कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा।
आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रमोट करिए ताकि और भी लोग जुड़ सकें, उनको भी इसका बेनिफिट हो सके। तो प्लीज़ नीचे जो बेल आइकन है उसको क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और वापस से रेगुलरली जो है मेरे को आपके क्रिटिकल इनपुट्स भी दीजिए, जिससे मैं अपने इन वीडियोस को और सुधार सकूं और आपके लिए और बेटर बेटर कंटेंट जो है वो आपके साथ साझा कर सकूं। तो फिर मिलते हैं कल से फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू। आप टेलीग्राम चैनल भी फॉलो करते रहें, उस पर मैं क्वेश्चंस डेली अपडेट करता रहता हूँ। तो इन एस्पेक्ट्स जो आज हमने करंट अफेयर्स से टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैं टेलीग्राम पे अपडेट करूँगा, तो आप वहाँ पर भी इसको फॉलो करें, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आप कितना समझे हैं वो भी आपको क्लैरिटी आएगी। थैंक यू।